मॉल रोड की गलियों में घूम रहे थे और हमें मिल चुकी है ये टर्किश आइसक्रीम। यस 300 रुपए की। मुझको तुझो मिला। नाइस यार। और ये मैम जन्नत मैम डर रहे हैं। अच्छा खासा। वो इतनी दूर है मैम, नहीं खाएंगे आपको। मैम ये देखो ना, इसके साथ फोटो खिंचवाओ, इसके साथ मैम अपलोड करना, लाइक्स आएंगे ढेर सारे। हैं वो हनुमान जी के पैरों के निशान। तो हिस्ट्री मैं बता रहा था वो, आप यहाँ पॉज करके पढ़ लेना, पॉज ले लो और पढ़ लो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बड़े होंगे। ये है सेकंड पार्ट शिमला ट्रिप का। मेरे साथ है विशाल भाई, इनका भी चैनल है, भाई चैनल का नाम बता देना। विशाल/JK21। तो भाई का चैनल है यार, डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, जाके सब्सक्राइब करना भाई, बहुत ही मेहनत कर रहा है अपना। सो फिलहाल हम जा रहे हैं आज के व्लॉग में जाकू टेंपल, जैसे कि आपको बताया था पिछले व्लॉग में। सो ये है बिल्कुल ही क्राइस्ट चर्च के सामने ही रास्ता जाता है, किसी लोकल को पूछ लोगे तो बता देगा। फिलहाल चलते वहीं जाकर बताते हैं आपको बाकी सारे सीन्स। तो बेसिकली जाकू टेंपल की थोड़ी सी स्टोरी है मेरे पास, वो बता देता हूँ। जाकू टेंपल भगवान हनुमान जी को समर्पित किया गया है। वहाँ पे एक स्टैचू है बेसिकली हनुमान जी का, बहुत ही बड़ी मूर्ति है उनकी, विशाल मूर्ति, अप्रॉक्स 110-105 meters, मेरे को पता नहीं है लेकिन लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जब भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब यहाँ पर विश्राम किया था, कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर उनके पाँव के निशान भी हैं। तो फिलहाल यही है थोड़ी सी स्टोरी जो मेरे को पता है। चढ़ाई काफ़ी है और ये अंकल देखो यार कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हैवी वेट अपने शोल्डर्स पर रखकर चल रहे हैं। फिलहाल अभी अपन लोग चलेंगे ऊपर। भाई मेरी तो बस हो गई है, थक गया हूँ मैं कसम से। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट किया था सैंडविचेज एंड पोहा, वो होटल में ही था हमारा। फिलहाल अभी कुछ खाया नहीं है और काफ़ी थक गया हूँ। चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली एंट्रेंस जाकू टेंपल की, जहाँ तक मुझे लगता है यही है एंट्रेंस। और जय श्री राम सबको, मेरे भाइयों को, जितने भी सनातनी इस वीडियो को देखेंगे कमेंट सेक्शन भर देना जय श्री राम लिख कर और जय हनुमान लिख कर। जय श्री राम, 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 हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई कहाँ से हो? दिल्ली से भाई। दिल्ली से, ये अपने भाई दिल्ली से हैं। तो भाई मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो ये व्लॉग आपको बीच साइड चैनल मिल जाएगा। अरे क्या बात है, हिंदू ही आगे। अरे क्या बात है, सनातन धर्म प्रमोट हो रहा है भाई आज व्लॉग पे। बिल्कुल भाई, सनातनी भाई अपने जुड़ चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये भाई सारे दिल्ली से आए हैं, फिलहाल चलते हैं ऊपर, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर एक सजेशन दूंगा कि कुछ भी लेकर ना आए साथ में, झोला वगैरह, ताकि यहाँ पर अटैक ना करें। वैसे अटैक करते नहीं है, खाने पीने पे ही देखेंगे तो आ जाएंगे मांगने। फिलहाल थोड़ी चढ़ाई है, स्टीफ है काफ़ी, रोप वे भी जाती है 480 per person, सेम डबल साइड्स का। काफ़ी थक गया हूँ, ऊपर जाके मिलता हूँ। तो है यह जाकू मंदिर, हनुमान जी का वो प्रसिद्ध मंदिर जो आप शिमला में दूर से नीचे से दिखा रहा था आपको पिछले ब्लॉग में। सो फाइनली अब एंट्रेंस है, शूज वगैरह डाल के ही जाएंगे शायद, ऊपर तक खुलेगा। चलते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली हम जाकू टेंपल पे पहुंच गए हैं,
और ये जो हनुमान जी आप देख रहे हैं 108 फीट ऊंची, मैंने भी जस्ट गूगल करी है, 108 फीट ऊंची है, 110 बोल रहा था सॉरी, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी की, भगवान श्री हनुमान जी, हमारे हनुमान जी महाराज की। फिलहाल आपको दिखा दिया मैंने एक साइड इसके फ्रंट से, फिलहाल यही है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी है श्री हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनिवार्य, जो भी है मतलब पढ़ सकते हैं पॉज लेकर, यहाँ पॉज ले लेना एंड पढ़ लेना उसके बाद। कौन सा फोन? मेरा फोन दो यार। कहाँ लिया आपने? दिया कैमरा में आया? नहीं। हैं वो हनुमान जी के पैरों के निशान जो कहते हैं, फिलहाल बाहर से दर्शन करते हैं, अंदर नहीं जाने देते, ताला लगा है। सो मैंने आपको दर्शन करवा दिए, फिलहाल अब कुछ खाएंगे और फिर मिलते हैं। तो हिस्ट्री मैं बता रहा था वो आप यहाँ पॉज करके पढ़ लेना, पॉज ले लो और पढ़ लो। ओके पढ़ लिया होगा, फिलहाल हम चल रहे हैं कैंटीन कुछ खाने, उसके बाद चलेंगे नीचे फिर मॉल रोड में, थोड़ा मॉल रोड घूमते हैं फिर दिखाते हैं। सो दोस्तों अभी हम खाने बैठे हैं, कैफे है ये, मतलब एक रेस्टोरेंट ही है बेसिकली। सो यहाँ पे ना लिखा हुआ है हाई वेलकम टू जाकू हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला। सो हाईएस्ट पीक पे बैठ के खाना खा रहे हैं भाई पहली बार, चलो देखते हैं खा के टेस्ट कैसा है। बाकी जय श्री राम। ओके सारे बैठे हैं वैसे तो, ऑर्डर किए हैं राजमा चावल जम्मू के फेमस, आज मैम को जम्मू के फेमस राजमा चावल टेस्ट करवाने वाले हैं, वैसे तो मैम ने खाए होंगे लेकिन हम फिर से करवाएंगे यहाँ पर, देखते हैं हम भी टेस्ट करते हैं यहाँ पे कैसे कैसे नहीं, जम्मू के तो अच्छे ही होते हैं वैसे, चलो खा के देखते हैं। आंटी जी बैठे हैं चश्मा लेकर, खुशी देख रहे हो उसकी? ओ भाई चश्मा लेके बैठा है यार, सही है। मुझको मिला तू जो मिला मॉल रोड की गलियों में घूम रहे थे और हमें मिल चुकी है ये टर्किश आइसक्रीम, यस 300 रुपए की, 300 रुपए की। शायद मैम ट्राई करेंगे, मैम करोगे ट्राई आप? करेंगे मैम कह रहे हैं करेंगे। सो फाइनल दोस्तों इवनिंग का टाइम हो रहा है, और टाइम हो रहा है यहाँ पर 6:06, और अब हम जा रहे हैं वापस होटल। तो होटल जा रहे हैं जो हमने लिया है वहीं चलते हैं, पाइन वुड रिजॉर्ट था वहीं चल रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। सो भाई का चैनल है यार डिस्क्रिप्शन आपको पता है, जाकर देख लेना, बाकी रात को भी काफी फन होने वाला है सुनने में आया अभी फिलहाल। सो वो रात को दिखाएंगे हम, डालेंगे इसी में डालेंगे यहाँ पर, देखते हैं अगले में, अभी बोल नहीं सकते कुछ, बाकी अगर आया तो आपको दिख जाएगा, नहीं आया तो ब्लॉग खत्म होगा। लेकिन आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, फटाफट से जाके सब्सक्राइबर करवा दो 2000, और उसके बाद वीडियोस आ जाएंगी बहुत अच्छी, क्योंकि अब मैं अपग्रेड करने वाला हूँ आईफोन 13 प्रो पर, या फिर लूंगा गिम्बल, कुछ ना कुछ प्लान्स हैं मेरे, वो आगे आपको फ्यूचर ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगे। सो भाई क्या बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? बहुत दुखी है। अच्छा आप क्या बोलना चाहोगे अपनी ऑडियंस को भाई? भाई फन करो जिंदगी में, फन करो भाई, मचा दो भाई, जो कर रहे ना मचा दो। ठीक है फिर मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग में निकलेशन के साथ, तब तक ले गुड बाय। नमस्कार, हम आज यहाँ पे शिमला पे टूर लेके आए हैं बच्चों को साथ लेकर, स्टाफ मेंबर साथ हैं। इस बार हमारा टूर काफ़ी देर के बाद लगा है, पहले हम बच्चों को 4 साल पहले बच्चों को हम लेके जाते थे शिमला, लेके जाते थे मनाली, लेके जाते थे और कई अनेक जगह पर लेके जाते थे। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए, टूर भी लगना चाहिए बच्चों का, ताकि बच्चों को बाहर जाके पता चले कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे 3 दिन इतना आनंद लिया और मैं सोच भी नहीं सकता था, और आनंद के साथ साथ बच्चों ने
घूमे भी बहुत बहुत ज़्यादा घूमे यहाँ पे, और जहाँ पहाड़ियों का आनंद लिया इन्होंने, और तो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। ठीक है, ये सारा प्रोग्राम जो मैं अकेले नहीं कर सकता, ये सारा प्रोग्राम में मेरे मैनेजमेंट के साथ ही हो रहा है। मेरे मैनेजमेंट मुझे सहयोग देती है और मैं बच्चों को लेकर आता हूँ, तो उनके सहयोग के साथ ही ये बच्चों का टूर जो सफल हुआ है। धन्यवाद।